जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे वीडियो गेम्स भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक होते जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आप लोगों को बताया जाए कि ऐसे कौन से गेम्स हैं जो सबसे ज्यादा रियलिस्टिक है। तो आज वाली इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट रियलिस्टिक गेम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और हाँ, अगर आज वाली इस वीडियो पे 1500 लाइक्स का एम पूरा हो जाता है तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। गाइस, वॉच डॉग्स लीजन एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम है एंड जीडीए गेम्स की तरह आप इस गेम के अंदर भी काफी कुछ कर सकते हो। इवन गाइस, इस गेम के अंदर आप लोग हैकिंग भी कर सकते हो और हैकिंग तो इस गेम का मेन फीचर है। और गाइस, आपको बता दूं ये गेम फ्यूचरिस्टिक लंदन में सेट है एंड गाइस ये गेम इतना ज्यादा रियलिस्टिक है अगर आप लोगों ने इस गेम को एक बार खेल लिया फिर आप लोग इस गेम को छोड़ नहीं पाओगे। यार छोड़ोगे भी कैसे, क्योंकि इस गेम की जो सिटी है वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है जितना आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। यार No Man's Sky गेम उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बढ़िया गेम है जिन लोगों को एडवेंचर के साथ साथ मैप को एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा पसंद है। इस गेम के अंदर इतनी ज्यादा गैलेक्सीज है जितनी आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते हो। कुल मिलाकर ये गेम काफी ज्यादा बड़ा है यार। और मान लो अगर आप लोग सोच भी लेते हो कि इस गेम को आप लोगों को फुल एक्सप्लोर करना है तो गाइस वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये गेम बड़े होने के साथ साथ काफी ज्यादा रियलिस्टिक भी है क्योंकि इस गेम में ऐसी ऐसी रियलिस्टिक प्लेसेस हैं, ऐसी ऐसी ब्यूटीफुल प्लेसेस जिनको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि बस उनको देखते ही रहो। और फिर यार गेम खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बस ऐसा लगता है कि खड़े होकर इन ब्यूटीफुल प्लेसेस को देखते रहो। और गेम में जो रियलिस्टिक पन है ना यार वो तो नेक्स्ट लेवल है। कुल मिलाकर ये गेम काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने कंसोल्स में इस गेम को ट्राई नहीं किया है तो अभी जाके ट्राई करो यार। Assassin's Creed Valhalla एक रोल प्लेइंग एक्शन गेम है एंड गाइस इस गेम को डेवलप किया था Ubisoft ने। Assassin's Creed Valhalla 2020 में लॉन्च हुआ था एंड गाइस इस गेम के ग्राफिक्स की बात करें तो गेम के ग्राफिक्स बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। इस गेम में आप लोगों को काफी एक्शन देखने को मिल जाएगा जो कि हर एक Assassin's Creed गेम में होता ही है। और गाइस ये गेम इतना ज्यादा रियलिस्टिक है कि अगर आप लोग इस गेम को मूवीज से कंपेयर करोगे ना तो भाई साहब ये गेम बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप मूवी देख रहे हो। यस गाइस, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूं, ये गेम काफी ज्यादा रियलिस्टिक है यार। गाइस, बैटलफील्ड 5 एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है एंड इस गेम को पब्लिश किया था Ubisoft ने 2018 में। गाइस, आप लोग इस गेम के हर एक सीन को देखकर समझ जाओगे कि आखिर ये गेम कितना ज्यादा रियलिस्टिक है। गाइस, जब आप लोग इस गेम को खेलोगे ना तब आपको ऐसा लगेगा आप किसी गेम को नहीं बल्कि किसी मूवी को देख रहे हो जिसके अंदर वॉर चढ़ चुका है और चारों तरफ सिर्फ फाइट चल रही है। अगर आप लोगों ने भी मेरी तरह बचपन में सोचा था कि काश मैं भी स्पाइडरमैन बन जाऊं फिर मैं सारी दुनिया को बचाऊंगा, डोंट वरी क्योंकि ये सब ना आप लोगों का स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलेस गेम पूरा करेगा। क्योंकि ये गेम आप लोग जब खेलोगे ना तब आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग खुद स्पाइडरमैन बन चुके हो। ये गेम इतना ज्यादा रियलिस्टिक है आप लोगों को बिल्कुल ऐसा फील होगा कि आप लोग गेम के अंदर हो और आप लोग खुद ही स्पाइडरमैन बन के पूरी दुनिया को बचा रहे हो। गाइस, इस गेम के अंदर जो सिटी है ना वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, स्पेशली नाइट में तो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है कि मतलब क्या बोला जाए। हिटमैन 3 ने बड़े से बड़े गेम को पीछे छोड़ रखा है ग्राफिक्स के मामले में। गाइस, अगर आप लोगों को ऐसा एजेंट खेलना पसंद है गेम्स के अंदर तो ये गेम आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और गाइस, इस गेम के अंदर जो हमारा एजेंट होता है ना वो अलग अलग मिशन करने के लिए अलग अलग कंट्रीज में जाता है जैसे इंडिया, चाइना एंड मैनी मोर। गाइस, इस गेम को काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाया गया है। और गाइस, स्पेशली जब इस गेम के अंदर रेन होती है ना, जब बारिश होती है तब ये गेम और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगता है, यानी कि और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगता है जब इस गेम के अंदर बारिश होती है तब। गाइस, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट गेम की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये गेम एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम है एंड गाइस सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये गेम इसी ईयर के फरवरी मंथ में लॉन्च हुआ है। गाइस, गेम की स्टोरी अच्छी है लेकिन गेम का जो ग्राफिक्स है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, यानी कि गेम जो है ना वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। और जब आप लोग इस गेम के कैरेक्टर्स के फेस के एक्सप्रेशंस देखोगे ना तब आप लोग विश्वास नहीं कर सकोगे ऐसा गेम में भी कैसे हो सकता है, क्योंकि इस गेम के कैरेक्टर्स के जो फेस के एक्सप्रेशंस है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट है। भाई बिल्कुल एक्यूरेट, ऐसा लगेगा आप लोगों को कि आप रियल लाइफ में कोई मूवी देख रहे हो, बट ये कोई मूवी नहीं है बल्कि ये एक वीडियो गेम है। मुझे पता है आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हो क्योंकि आज के टाइम पे वीडियो गेम काफी ज्यादा रियलिस्टिक बन रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर, गाइस ये वो गेम है जिसे खेलने के बाद आप लोग खुद विश्वास नहीं कर पाओगे कि आप लोग एक वीडियो गेम को खेल रहे हो, क्योंकि इस गेम के अंदर हमारे पूरे वर्ल्ड को ही डाल दिया है। गाइस, हमारे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज आपको इस गेम के अंदर मिल जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सारी कंट्रीज में जो जो लोकेशन है वो भी आप लोग साफ साफ देख सकते हो रियलिस्टिक ग्राफिक्स के साथ इस गेम के अंदर। और इवन गाइस, आप लोग इस गेम के अंदर अपने हाउस को भी देख सकते हो, यानी कि अपने होम को भी देख सकते हो।
जैसा आपका होम होगा ना वैसे ही आप लोगों को इस गेम के अंदर आपका होम दिखेगा, यानी कि जैसा घर आपका रियल लाइफ में वैसा इस गेम के अंदर भी आपको दिखेगा। इतना ही नहीं बल्कि हमारे अर्थ की, हमारे वर्ल्ड की एक एक चीज इस गेम के अंदर आपको मिल जाएगी। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये गेम कितना ज्यादा रियलिस्टिक है। आइडिया 2 वो गेम है जो आज के टाइम पर हर एक गेमर के दिलों पे राज करता है। पता नहीं क्यों हमारे इंडिया के अंदर यूट्यूबर्स इस गेम को प्ले नहीं करते हैं, इस गेम के गेम प्ले पता नहीं क्यों नहीं डालते हैं। ये गेम डिटेलिंग के मामले में, स्टोरी के मामले में एंड इवन रियलिस्टिक ग्राफिक्स के मामले में हर एक गेम को पीछे छोड़ देता है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं गाइस, ये एक गेम नहीं है बल्कि एक मास्टरपीस है। और इस गेम की स्टोरी तो इतनी ज्यादा गजब है कि वो भाई हॉलीवुड मूवीज की स्टोरी को भी पीछे छोड़ देती है। आइडिया 2 ही वो गेम है जो सबसे ज्यादा रियलिस्टिक गेम है। हाँ मैं मानता हूँ द लास्ट ऑफ अस 2 गेम आइडिया 2 की तरह हर एक चीज में तो बेस्ट नहीं है, बट इस गेम की जो ग्राफिक्स एंड डिटेलिंग है ना वो एकदम झक्कास। अगर आप लोगों ने द लास्ट ऑफ अस का पार्ट 1 खेला है तो गाइस इस गेम को आप लोग जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। इस गेम की स्टोरी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। इस गेम के एडवेंचर में आप लोगों को इतना ज्यादा मजा आएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। गाइस ये किसी मूवी से कम नहीं है यार। ओवरऑल ये गेम डिटेलिंग में, ग्राफिक्स में एंड स्टोरी में काफी ज्यादा बढ़िया है, बट फिर भी ये गेम आइडिया 2 से पीछे रह जाता है, क्योंकि आइडिया 2 में जो मजा है ना वो इस गेम में आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आइडिया 2 में आप लोगों को एक्शन, एडवेंचर, स्कैरी, रोमांस बहुत कुछ देखने को मिलता है। गाइस आइडिया 2 जो गेम है ना वो काफी ज्यादा इमोशनल गेम है, बट फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट ऑफ अस 2 की, तो गाइस लास्ट ऑफ अस 2 भी काफी ज्यादा बढ़िया गेम है। So yeah, that's for today मेरे भाइयों। हाँ आप लोगों को सबसे ज्यादा रियलिस्टिक गेम कौन सा लगा है मुझे एक बार जरूर से जरूर बताइए। और अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो गाइस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दिस इज मी आपका भाई साइनिंग ऑफ। लव यू गेमर्स, बाय बाय एंड टेक केयर।